आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज कवर करेंगे हम लोग 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहले तो जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जितने भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाबू आपसे एक ही ना निवेदन है, हिंसा मत करो, अपना हक न हक की बात ना हम लोग बहुत शांतिपूर्वक रखेंगे, बहुत शांतिपूर्वक। हमारा आंदोलन बहुत सही से जा रहा है, देश में हर एक घर तक ये जा रहा मैसेज, क्योंकि जो भी हमारी बात सुनेगा कि क्या गड़बड़ी हुआ है, कोई नहीं बोल सकता कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है और रेलवे सही कर रहा है, कोई नहीं बोल सकता। और अब तो बहुत सारे नेता लोग भी आ रहे हैं बाबू, हालांकि इसको पॉलिटिक्स रंग नहीं देना है, लेकिन फिर भी जब तक अगर नेता नहीं आएंगे तब तक दबाव कैसे बनेगा सरकार के ऊपर। और ये दबाव की बात नहीं है, ये हमारे हक की बात है और जेन्यून लड़ रहे हैं हम लोग, जेन्यून, ठीक है। तो आज कवर करेंगे 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर हम डाल देते हैं, 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा करेंट अफेयर कवर करना है, ऐसे पढ़ना है कि बोझ ना लगे। और अप्रैल महीने का सारा पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का करेंट अफेयर 21 वाला बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको पूरा कवर करवाए हैं रात को 11:30 बजे निरंतर 3 दिन के अंदर। अप्रैल का पीडीएफ डाल दिए हैं टेलीग्राम के ऊपर, डाउनलोड कर पूरा पढ़ लीजिएगा और रात को 11:30 बजे आकर एक बार अपने आप को जज कर लेना। पीडीएफ भी पढ़ लिए, जज भी कर लिए, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए करेंट अफेयर का, क्योंकि करेंट अफेयर एक लिमिटेड क्वेश्चन है। वरना फिर अगर अभी समय चल गया ना फिर एग्जाम के समय बोलेंगे कि भैया अब कैसे पढ़े, करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए ना, यानी आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गया है। अब सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जा रहे हैं, आया तो आया नहीं आया तो जय सिया राम। तो पढ़ना सब है, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, नई दिल्ली में स्थित PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया इस संस्था का, तो आप याद रखिएगा किसको, विनोद आनंद झा, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्लियर। एग्जाम में आपसे पूछेगा धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, तो विनोद आनंद झा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, वर्ष 2022 के लिए आपदा प्रबंध में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए किस व्यक्ति को ना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार सम्मानित किया गया है, विनोद शर्मा, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता स्थित नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को यह पुरस्कार दिया गया है, और यह क्वेश्चन बन जाता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने गगनयान मिशन के लिए, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर, न्यूज में भी आया, सब कोई जानते भी होंगे, गगनयान मिशन के लिए हाई अर्थ इंजन का नाम बताइए जिसका सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया है, और ये कौन क्या है, विकास, ऑप्शन नंबर आपका ए, याद रखिएगा। अगला अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, अभी हाल फिलहाल में इसरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया ना, इसरो के प्रमुख का नाम क्या है, हालांकि इसरो गठन कब किया गया था, 1969 में, डीआरडीओ का 1958 में, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, डीआरडीओ का मुख्यालय तो आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है, यह प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले आइस महिला हॉकी चैंपियनशिप यानी बर्फ के ऊपर जो हॉकी खेलते हैं ना महिला को प्रतियोगिता, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और ये प्रतियोगिता जीतने वाली टीम का नाम क्या है, लद्दाख, लद्दाख की टीम ने ये प्रतियोगिता जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है,
निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलास मिला है? यानी आपने बचपन में जब ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो एटलास देखे होंगे ना, पूरे विश्व का कवर करते हैं मैप वगैरह, लेकिन एक पहला एटलास का निर्माण किया गया है। उस एटलास में ना जितने भी पंछी है उसका पूरा कवर किया गया है, पंछी के ऊपर आधारित एक एटलास का निर्माण किया गया। कहां पर? केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और केरल के बारे में आप सभी को पता होगा, यहां पर 20 लोकसभा है, 9 राज्यसभा है, 140 विधानसभा सीट है। एस मनी कुमार यहां के मुख्य न्यायाधीश है, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री, 14 जिला 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। हर राज्य के बारे में डेली आपको बताता हूं, डेली। तो केरल के बारे में एक महीना में 30-35 कम से कम तो 20 बार बताते ही बताते हैं, तो आप सब कम से कम इसको अच्छे से देखिए। यहां से 1-2 क्वेश्चन बनेगा हर राज्य के बारे में, राज्यपाल पूछ देगा, स्थापना दिवस पूछ देगा, मुख्यमंत्री कुछ भी पूछ देगा। तो ये डेली आपको दिखा रहा हूं, तो कम से कम इसको भी ध्यान से देखिए आप सभी। ये नहीं कि अब कल केरल के बारे में आए तो भाई कुछ याद ही नहीं है, इसीलिए बोलता हूं ध्यान से देखो। 20-9-140, एस मनी कुमार, आरिफ मोहम्मद खान, 14 जिला, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्मेन सरकिसियन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? कहां के ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति के पद से? तो आर्मेनिया के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, विश्व बैंक ने गरीबी और कमजोर समूह के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवा की पहुंच के लिए ना किस राज्य सरकार को, यानी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को, कितना ऋण देने का फैसला किया है विश्व बैंक के द्वारा? तो $125 मिलियन का। विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ है, डेविड मालापास इसके प्रमुख हैं। कौन है प्रमुख? तो डेविड मालापास, मुख्यालय आपका अमेरिका में है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बारे में 42 लोकसभा 16 राज्यसभा 294 विधानसभा सीट है। प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, जगदीप धनखड़ राज्यपाल, ममता बैनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री, 23 जिला और 20 जून को मनाते हैं स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गुड डॉट ये जो कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये गुड डॉट क्या है भैया? ये ना मतलब शाकाहारी भोजन को लेकर ना पूरा खाना बनाती है, ठीक है। इस कंपनी का ब्रांड अभी तक किसे बनाया? नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर न्यूट्रेंट वगैरह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशिया फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में किस भाषा की ड्रामा फिल्म, एकदम नाम सुने ही होंगे, को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये फिल्म किस भाषा की है? तमिल की, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 20वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, ये किस भाषा की फिल्म है? तमिल की। अगला क्वेश्चन, गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व बैंक जो है गरीबी और कमजोर समूह के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक $125 मिलियन का ऋण दिया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को। अगला, ऑर्मेन सरकिसियान आर्मेनिया के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक पंछी के ऊपर एक एटलास का निर्माण किया गया है किस राज्य में? केरल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसने आइस महिला हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीता है जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था? तो लद्दाख की टीम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन, गगनयान मिशन के लिए हाई अर्थ इंजन का नाम बताइए जिसका आयोजित किया गया है? तो उस इंजन का नाम विकास है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कलकत्ता में स्थित नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2020 के सम्मानित किसे किया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम विनोद शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, नई दिल्ली में स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विनोद आनंद झा को। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक शेयर कर देना, आप सभी मेहनत करते हैं उसके लिए, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। सभी को हैप्पी गणतंत्र दिवस। जय हिंद।